चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, इतना मत कीजिए कि आपका ही काम तमाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे, और ये आज की वीडियो में कुल 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे, तो आपको इन 5ों क्वेश्चनों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के PDF लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि भारत में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए, हर साल गोवा में इसका आयोजन किया जाता है, और इस साल नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि हाल ही में किस देश के ग्रह खोजी मिशन जिसका नाम TESS है, यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, तो इसने जो है 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। तो देखिए, ये देश आपका अमेरिका है। और तीसरा था कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन जो है ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं मुकेश अंबानी। और चौथा था कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी अमृत योजना है, इसको लागू करने वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका उड़ीसा है। और पांचवा था कि किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, ये राज्य आपका कर्नाटका है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए, जो आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसके नए कार्यकारी निदेशक बने हैं GP गर्ग। देखिए, जो आपके GP गर्ग हैं, ये इससे पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI में जो है मुख्य महाप्रबंधक थे, लेकिन अब इनको जो है पदोन्नति मिल गई है। अब ये जो है कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो है काम करेंगे, कहाँ पर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में। देखिए, जो आपका SEBI है, ठीक है, SEBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, और SEBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। SEBI की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को। तो SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में डिटेल्स शेयर करेगा, लेकिन इसके जो नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए इनका नाम क्या है, GP गर्ग, ये आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं BSF, ठीक है, तो BSF का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, BSF के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं इनका नाम है राकेश अस्थाना। देखिए, जो आपके राकेश अस्थाना हैं, ये अपने पद का जो है कार्यभार संभालने की तारीख से 31 जुलाई 2021 या फिर अगले आदेश तक जो है BSF के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। देखिए, BSF जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का CPSI या फिर SSC GD का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और UPSC तथा अन्य एग्जाम में भी जो है BSF के बारे में पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है जान लेते हैं। देखिए, BSF का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसको हिंदी में हम कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया है कि सीमा सुरक्षा बल जो है ये किन दो देशों की सीमाओं पर तैनात किया जाता है भारत में। तो देखिए, भारत की जो सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के जो हमारे जवान हैं ये तैनात किए जाते हैं। और देखिए, सीमा सुरक्षा बल का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। और सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है खुसरो फरमोज रुस्तम जी के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होमगार्ड के नए महानिदेशक बनाए गए हैं जावेद अख्तर जी। देखिए, जो आपके जावेद अख्तर हैं ये कौन हैं, इनके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, जो आपके जावेद अख्तर हैं ये उत्तर प्रदेश काडर के जो है एक IPS ऑफिसर हैं, और जो आपके जावेद अख्तर हैं वो क्या बनाया गया है, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का नया महानिदेशक। और ये इस पद पर कब तक काम करेंगे, देखिए, जो आपके जावेद अख्तर हैं ये इस पद पर 31 जुलाई 2021 तक जो है रहेंगे, जो कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। देखिए, वर्तमान में जो आपके जावेद अख्तर हैं ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के विशेष
महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से पद छोड़ेंगे और ये जो है अब काम करेंगे जावेद अख्तर जी फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस और होमगार्ड के नए महानिदेशक के पद पर। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में अपॉइंट किए गए हैं VSK कौमुदी। देखिए आपको बता दूं जो आपका कार्मिक मंत्रालय है भारत का, तो कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार जो आपके VSK कौमुदी हैं इनको जो है गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा अपॉइंट किया गया है और ये 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे जो कि इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, इनका निधन किस राज्य में हुआ था। तो देखिए आपके पंडित जसराज हैं इनका जन्म हुआ था हरियाणा राज्य में और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो आपके पंडित जसराज हैं इनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था और इनके संगीत करियर की शुरुआत जो है लगभग 8 दशक पहले यानी कि लगभग 80 साल पहले हुई थी। देखिए जो आपके पंडित जसराज हैं इनको साल 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया था और इसके साथ साथ 1987 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित जसराज जी को। और देखिए पंडित जसराज को जो है 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2000 में जो है भारत के जो दूसरा सबसे बड़ा भारत का सम्मान ठीक है इसको कहते हैं हम पद्म विभूषण, ठीक है। तो इनको सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इसको कहते हैं हम भारत रत्न, ठीक है। और उसके बाद फिर नंबर किसका आता है, उसके बाद पद्म विभूषण का नंबर आता है, ठीक है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। छठा प्रश्न है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो देखिए जो आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं इनको जो है गोवा राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है क्योंकि जो आपके सत्यपाल मलिक है इनका ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे राज्य में, तो ये जो है सत्यपाल मलिक का स्थान लेंगे गोवा के राज्यपाल के पद पर। तो अब जो है जो आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए जो आपका गोवा राज्य है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ की पॉपुलेशन है 18.2 लाख और गोवा की राजधानी पणजी है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को मेघालय राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया। तो देखिए मेघालय राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक, ठीक है। ये पहले गोवा के राज्यपाल हुआ करते थे लेकिन गोवा के राज्यपाल बनने से पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, जम्मू और कश्मीर के। देखिए जो आपके सत्यपाल मलिक हैं ये अगस्त सन 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। और देखिए जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं इनको जो है यानी कि सत्यपाल मलिक को इन्होंने 25 अक्टूबर 2020 को जो है गोवा के राज्यपाल के पद पर अपॉइंट किया था, लेकिन अब जो है ये गोवा के राज्यपाल के पद को त्यागेंगे और मेघालय के राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। कौन, सत्यपाल मलिक। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं, इनका नाम है सत्यपाल मलिक। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। तो देखिए जो आपका ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको आप हर हालत में याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होगा क्योंकि जो आपका चंबल नदी है, ठीक है, ये राजस्थान यूपी और मध्य प्रदेश तीनों से कनेक्टेड है और यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको दिख रहा है एग्जाम यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और इसका नया नाम क्या होगा। और एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो आपका ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे यानी कि प्रोग्रेसवे है ये किन दो स्थानों को कनेक्ट करेगा। तो देखिए जो आपका ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को जो है चंबल क्षेत्र के बेड़ों से जोड़ता है और ये एक्सप्रेसवे जो है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी भिंड मुरैना से राजस्थान के कोटा होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर जाता है। तो इसकी खास बात याद रखिएगा, याद रखना है कि जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है ये जो है अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। और देखिए जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनके बारे में जान लीजिए। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 में, ठीक है। इस साल हमने इनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई है।
देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, ये पहली बार 1996 से 1998 तक इन्होंने कार्य किया था, और फिर 1999 से 2004 तक जो है पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाया था। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया था रिसेंटली, कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। तो ये प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और इनका जन्मदिन कब पड़ता है, 25 दिसंबर को। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया। तो देखिए, यहाँ भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा, क्योंकि ये भोजपुरी वर्ड है, पढ़ाई तुहार पारा। तो देखिए, भोजपुरी लगभग आपका छत्तीसगढ़ और बिहार से कनेक्टेड लैंग्वेज है, झारखंड में थोड़ा बहुत मिलता जुलता लैंग्वेज मिल जाएगा आपको। पश्चिम बंगाल के लोग भी जो है अच्छी भोजपुरी जानते हैं, और नेपाल के जो आपका ये मध्य प्रदेश पड़ता है नेपाल का, जो कनेक्टेड है बिहार की सीमा और यूपी सीमा से, वहाँ पे भी अच्छी भोजपुरी बोली जाती है। और यूपी में तो भोजपुरी बोली जाती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, मतलब बस्ती, लखनऊ तक जो है भोजपुरी लोग समझते हैं और बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है भोजपुरी में, लेकिन लैंग्वेज वही है। देखिए, आप बता दूँ, पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल है। देखिए, आपको बता दूं, जो आपकी ये पढ़ाई तुहार पारा योजना है, ये जो है स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्र और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। तो पढ़ाई तुहार पारा योजना के बारे में याद रखिएगा, इसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टार्ट किया है। और देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस पढ़ाई तुहार पारा योजना के साथ साथ 3 अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं। और ये योजनाएं कौन है, देखिए, पहली पहली योजना है बुलतू के बोल। देखिए, योजना क्या है, देखिए, एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम है बुलतू के बोल, जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए रोल आउट किया जाएगा, जहां इंटरनेट की सुविधा पहुंच नहीं रही है। और दूसरा, 14 नगर निगम जो आपके हैं छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से लोगों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की है। और तीसरी योजना है राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, इसको रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल यहाँ की हैं अनुसुईया उइके। 10वां प्रश्न कि हाल ही में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया। तो देखिए, ब्रिटेन की जो सरकार है, इसने अभी हाल ही में कुल 3 मिलियन पाउंड का जो है एक इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है भारत में। और इस फंड का यूज़ कहाँ पे होगा, देखिए, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। और इस नए लॉन्च किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कोविड-19 महामारी के द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समर्थन करना है। 11वां प्रश्न है कि व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की। तो देखिए, इस सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से की डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर ने, जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। याद रखिएगा, व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की जो बैठक है, इसके 13वें सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से की डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि भारत के विदेश मंत्री ने। और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता की थी वहाँ के विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने। तो ये डिटेल्स याद रखेगा। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा गुजरात में किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई। तो देखिए, इस गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की गई गुजरात के पोरबंदर में। देखिए, आपको बता दूँ, जो आपका ये गुणवत्ता नियंत्रण लैब है, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल लैब है, ये जो है इसको एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातु यानी कि हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, सीसा, पारा, आर्सेनिक, का सीफूड के नमूनों और ट्यूना और
मैकरेल जैसे मछलियों के हिस्टामिन के मूल्यांकन के लिए उन्नत परीक्षणों के साथ जो है लैस किया गया है, यानी कि यहाँ पे टेस्टिंग किया जाएगा जो हमारे सी फूड हैं, जो खासतौर से जो मछलियाँ हैं, इनमें कहीं भारी धातुओं का संक्रमण तो नहीं है या फिर इनमें किसी एंटीबॉडी के अवशेष तो नहीं है जो कि लोगों के स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले दिमाग में फिट कर लिए कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अभी हाल ही में गुजरात के पोरबंदर में जो है गुणवत्ता नियंत्रण लैब का स्थापना किया गया। देखिए जो आपका ये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय कोच्चि में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अगस्त 1972 को हुई थी। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसने जो है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए अब जो आपका वाराणसी में स्थित जो आपका ये मंडुआ स्टेशन है, ठीक है, मंडुआ डी, ये जो है आप किस नाम से जाएगा, बनारस के नाम से। देखिए उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो आपका बनारस के पास ही मुगल सराय स्टेशन स्थित था, तो मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का जो मंडुआ डी स्टेशन था, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम बनारस रखा गया है, और जो आपका मुगल सराय स्टेशन था, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था। तो ये थे आपके आज के 13 महत्वपूर्ण करने पर एक प्रश्न, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट देने की जो है कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और 2000 लाइक आज पहुँचा दीजिए इस वीडियो पे, ठीक है। तो सभी का योगदान चाहिए इसके लिए। और पहला क्वेश्चन अपडेट का प्रश्न आपके लिए कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो फार्मूला वन रेस है, ये किसने जीता है, उत्तर बताइए। देखिए वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इसके लिंक को जरूर कॉपी करके शेयर कर दिया कीजिए सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके इस सेशन से। देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सम्मानित किया है, इनका नाम बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया, आंसर बताइए। चौथा कि निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन नाम की एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।